हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और मैं सेकंड टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ। रीज़न है मैं कुर्ता पहना हूँ, आज जा रहा हूँ तोप चाची। रीज़न है कि मेरे कज़न सिस्टर, मेरे बाजी की सास इंतकाल की है, तो वहीं जा रहा हूँ। मट्टी मंजिल है असरबाद, यानी लमसम 5 साढ़े 5 बजे। तो मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, बहन लोग सब कोई जा रहे हैं तोप चाची। चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे दिखाएंगे आप लोगों को। और गाइज, मेरे मुराद को देख सकते हैं, मोबाइल की काफ़ी लत लग गई है इसको भी, अपने आप ही को मेरा से देख देख के ये भी सीख गया मोबाइल देखना। मुराद, फिलहाल तो मेरा बेटा नहीं जाएगा तो चाची घर पे ही रहेगा, बाहर मेरे मम्मी पापा जाएंगे। बाय बेटा, हाय करो। तो गाइज, फुल फैमिली हम लोग निकल पड़े हैं तोप चाची के लिए। यहाँ से 45 किलोमीटर्स है और हम लोग पूरा फैमिली चले तोप चाची की ओर, जैसे कि आप लोग को बताया हूँ। वैसे तो हम लोग 1 घंटा में पहुँच जाएंगे, लेकिन बस्ती गांव होते हुए वन वे रास्ता है, इसलिए थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी रफ्तार रहेगी, इसलिए थोड़ा सा मे भी 1.5 घंटा लग सकता है। थोड़ा सा आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ खूबसूरत सा लोकेशन। और हम लोग दामोदर नदी पार कर रहे हैं और उस पार आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा पहाड़ है, खूबसूरत सा लोकेशन दिख रही है, ये दामोदर नदी है। और गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं तोप चाची। तोप चाची मार्केट है ये छोटा सा, फिलहाल हम लोग थोड़ा रुके हुए, इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो गाइज, फाइनली मैं तोप चाची पहुंच चुका हूं, अभी जस्ट शाम के 4:30 बज रही है। अब जा रहा अंदर की ओर, अंदर में पार्किंग नहीं था इसलिए हाईवे के बगल में, थाना के बगल में ही पार्किंग रखा हूँ अपना कार, उसके बाद जा रहा हूँ अंदर की ओर। तो गाइज, हम जा रहे हैं अब अंदर की ओर, पतला गली है, आप देख सकते हैं लोग खड़े भी हैं, जनाजा आपका वहाँ पे है, ज़्यादा सामने आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं इसलिए आप लोग को दूर से ही दिखा रहा हूँ मैं। और गाइज, मैं हूँ अभी तोप चाची में और अभी टाइम हो रहा है 4:45 और 5:15 बजे यहाँ से उठाया जाएगा, फिर मस्जिद में जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद फिर चलेंगे कब्रिस्तान की ओर। और जनाजा उठ चुकी है, आगे आगे जनाजा जा रही है मैयत और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, और आप जो सेंटर में देख सकते हैं मस्जिद है, वहीं पे ले जाया जाएगा। सबसे पहले जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद फिर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। और सूरज देख रहे हैं, अभी भी बहुत गर्म है गाइस, 5:30 हो चुकी है, अभी भी बहुत गर्म लग रही है। और गाइस, मैं उस पट्टी से अभी इस पट्टी आ चुका हूँ, जा रहा हूँ मस्जिद की ओर। काफ़ी डेवलप हो गई है, काफ़ी साल बाद मैं आया हूँ, पहले 4 लाइन थी, अब 6 लाइन बन चुका है। अब और पहले हाईवे के सामने काफ़ी छोटा छोटा दुकान हुआ करता था, अभी तो काफ़ी बड़े पैमाने पे दुकान खुल चुकी है गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ चुके हैं और यहाँ से फिर निकल रहे हैं। और यहाँ से भाईजान से बात हुई है तो पता चला यहाँ से और 1.5 किलोमीटर अंदर हम लोग को जाना पड़ेगा कब्रिस्तान के लिए, हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर। तो फिलहाल चलते हैं कब्रिस्तान की ओर। और मस्जिद भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी स्पेस भी है और लोग काफ़ी
पैमाने पे यहाँ लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, माशाल्लाह इतनी स्पेस थी कि आराम से जनाजे की नमाज़ यहाँ पे हो चुकी है। फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गैस वहाँ पे जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़िलहाल हम लोग चले कब्रिस्तान की ओर, और यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ है, खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ का थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं। अभी मैं 500 मीटर हम लोग चले हैं और अभी और 1 किलोमीटर आगे चलना होगा, क्योंकि जो पहाड़ देख रहे हैं पहाड़ के बैक साइड में है कब्रिस्तान। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, पीछे पीछे हम लोग चलते जा रहे हैं। और गाइस हम लोग साथ में कलीम भाई है, जीजा मेरे, और पीछे मेरे मामा आ रहे हैं, मेरे भांजा आवेश भी है, और साथ ही साथ हम लोग जा रहे हैं, और मैं हूँ कलीम भाई है, हम लोग साथ ही साथ ही जा रहे हैं। यहाँ कोई और मेरा कोई जान पहचान नहीं है, बस कलीम भाई है और मेरे मामा आए हुए हैं, सब कोई हम लोग साथ में जा रहे हैं। तालाब था है ना, सूख गया। और गैस हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं और 500 मीटर बाकी है, लमसम हम पहुंचने वाले हैं हम लोग। और गैस मेरा आगे का वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन लोकेशन मुझे इतना पसंद आया, देख सकते हैं जैसे ये परासनाथ पहाड़ है, खूबसूरत सा लोकेशन, दाएं बाएं पहाड़ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ का। मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का लोकेशन, काफ़ी पसंद आ रहा है परासनाथ पहाड़। आज देख सकते हैं यहाँ पे आपका तालाब भी है, तो फिलहाल चलते हैं आगे, देखते हैं ये नहाने वाला तालाब है या लोग नहाते हैं या मछली वाला तालाब है, सिर्फ मछली पालन होती है। पत्थर वगैरह देख के तो लग रहा है यहाँ लोग नहाते भी है, मछली भी होगा। और सबसे अच्छा, बहुत अच्छा गाइस लोकेशन मुझे लगा। और फिलहाल चलते हैं गाइस, कब्रिस्तान हम लोग पहुँचने वाले हैं, और आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कब्रिस्तान है आगे। तो गाइस कलीम भाई गए हैं मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, मट्टी देके हम सब कोई, और चलेंगे अपने घर की ओर यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ का वीडियो नहीं बनाना, अब चलेंगे डायरेक्ट घर। फाइनली गाइस रात के 8 बज चुकी है, हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और काफ़ी मैं थक गया हूँ, आप फेस से देख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर चल के जाना, 1.5 किलोमीटर चल के आना, फिर काफ़ी मैं हरासमेंट हुआ था वहाँ पे, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। ज़्यादा वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया, बाजी भी रो रही थी और क्या लेंगे रोना धोना का, अच्छा नहीं लग रहा था। लाल और जीजा जी से भी, अब्दुल भाई से भी मुलाकात की है, वीडियो नहीं बनाया और कहीं का, डायरेक्ट मैं घर आ चुका हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।